ठीक है आज शर्लिन क्या हुआ आज पुलिस आज कम जी खान मामले में आप पुलिस स्टेशन आई क्या हुआ जी मुझसे कहा गया कि जिस ऑफिसर को मेरा केस सौंपा गया था वो ऑफिसर इस समय यहाँ पर है नहीं तो मैंने कहा सर इसका क्या मतलब निकाला जाए मुझे किसी ने कोई टाइम नहीं दिया भाई घूम नीचे कर दे यहाँ पर आने के लिए सवेरे से मैं कॉल करती रही पूछती रही यहाँ के इंचार्ज से एसआई से कि मैं कब आऊँ अपना बयान कब दे सकती हूँ मैं बताइए ज़रा मुझे कोई फिक्स टाइम नहीं दिया गया मैं कॉल करती रही मैसेज छोड़ती रही अब मैं यहाँ पर आई हूँ तो कह रहे हैं कि नहीं जिस ऑफिसर को आपका केस सौंपा गया वो इस समय यहाँ पर है नहीं मैंने कहा सर मेरी गुजारिश है आपसे कि एक लेडी ऑफिसर को मेरा केस हैंडल करने को कहा जाए मैं उनको अपना बयान देना चाहूँगी मैं इस समय बहुत ही बेबस महसूस कर रही हूँ मैंने कुछ देर पहले असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को कॉल किया मैंने उनसे कहा सर जुहू पुलिस मुझे सीरियस नहीं ले रही है पता नहीं क्या मजबूरी है उनकी ऊपर से कोई दबाव आया होगा कि मेरा स्टेटमेंट ना लिया जाए मैं ये सोच रही हूँ कि अगर एक सेलिब्रिटी के साथ ऐसा हो सकता है तो एक आम महिला के साथ क्या कुछ नहीं होता होगा मैं तो सिर्फ इतना चाह रही हूँ कि निष्पक्ष जांच पड़ताल हो दूध का दूध पानी का पानी हो लेकिन स्टेटमेंट लिए बगैर जांच पड़ताल कैसे होगी FIR कैसे दर्ज होगी तो अब आप नेक्स्ट कदम साजिद खान का सपोर्ट करते हुए वर्सोवा पुलिस स्टेशन में आपकी शिकायत दर्ज करवाई उस पर आपका क्या कुछ कहना है देखिए समाज के कीड़ों से मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी मैं आप लोगों से पूछती हूं अगर आपकी माँ आपकी बहन आपकी बीवी आपकी बेटी के साथ मी टू आरोपी साजिद खान गंदी घिनौनी और बहुत ही वाहियात हरकत करता तो आप क्या करते आप नामर्द बनते या एक मजबूत स्टैंड लेकर कहते अब बस अब ये सब नहीं चलेगा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी बातों पर विश्वास किया जाए मैं ये कह रही हूँ कि एक निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई हो जांच पड़ताल हो देखिए हम सब पुलिस प्रशासन पर भरोसा करते हैं और जिस तरह ये लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं मुझे मेरे बयान को सारा देश देख रहा है हम कहाँ जाएं हम इंसाफ की गुहार कहाँ जाकर लगाएं पुलिस प्रशासन ने कहा यहाँ पर कि एक काम कीजिए आप शाम को आइएगा 7:30-8 बजे आइएगा तब तक हम एक लेडी ऑफिसर का प्रबंध करेंगे आपके लिए कोई बात नहीं मैं दोबारा आऊँगी यहाँ पर लेकिन अगर आपको बयान नहीं लेना है आप साफ साफ बोलिए कि बयान नहीं लेना है मैं बांद्रा जाऊंगी DCP के ऑफिस पर जाऊंगी मैं एक सेलिब्रिटी के साथ ऐसा हो सकता है तो एक आम महिला के साथ क्या कुछ नहीं होता होगा क्या मैं ये बोल रही हूँ कि अभी साजिद खान को अरेस्ट किया जाए मैं तो सिर्फ ये बोल रही हूँ कि मेरा बयान तो लो उसके बाद कानूनी कार्रवाई शुरू करो बिग बॉस के घर में जाकर उसको लेकर आओ पूछताछ के लिए आप लोग कुछ करेंगे नहीं तो सच क्या है कैसे पता चलेगा सोशल मीडिया पर मेरे फॉलोअर्स बोल रहे हैं मैम आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं कुछ नहीं होने वाला पुलिस कुछ नहीं करने वाली क्यों क्योंकि आपके आरोपी
और कई पीड़ित महिलाओं के आरोपी साजिद खान के सर पर किसी और का नहीं बल्कि सलमान खान सर का हाथ है, और उनके होते साजिद खान का कोई बाल तक बांका नहीं कर सकता है। ये मेरे फॉलोअर्स, मेरे फैंस कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि मैम आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं, आपको कोई इंसाफ नहीं मिलने वाला, ना आपको ना किसी और को।